हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे मखाने के ऊपर। मखाने के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को ये सिखाया कि कैसे आप मखाना रोस्ट कर सकते हैं, कैसे आप मार्केट से मखाना उठा के उसकी रीपैकेजिंग करके बेच सकते हैं, कैसे मखाना को आप हल्का सा घी में रोस्ट करके उसके साथ एक मसाला का जो पैकेट आता है छोटा सा, वो उसके अंदर दे के बेच सकते हो। बहुत सारे तरीके बताए हैं, लेकिन क्या होता है कि एक सर्टेन लेवल तक जाके यूट्यूब वीडियोस आगे भेजना बंद कर देता है। तो जो लोग नए करना चाहते हैं या फिर जिनको उत्सुकता होती है करने की, तो वहाँ तक हम लोगों की वीडियोस पहुँच नहीं पाती। इसलिए अगेन एंड अगेन उन वीडियोस पे दोबारा से काम करके आप लोगों के सामने आना पड़ता है, ताकि रीच हो और आप लोगों के अंदर कुछ करने की इच्छा जो पैदा हो रही है उसको आप लोग कर सको बहुत आसानी से। तो अभी क्या करना है आपको, मार्केट में जाना है, 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये, जितने रुपए भी किलो मखाना मिलता है, जो बिहार के इलाके हैं, सीतामढ़ी और उस साइड के इलाके हैं, उधर ही सारा का सारा मखाना पैदा होता है। तो वहाँ आप डायरेक्ट किसानों से कांटेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इतने किलो मखाना चाहिए। जिस टाइम वो बुआई करते हैं उसी टाइम हम उनको पैसा दे के और मखाना कम रेट में ले सकते हैं उनसे, या फिर मार्केट में जाके 600, 700, 800 रुपये, जितने रुपये भी किलो मिलता है मखाना, वो परचेज कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके के रैपर्स मिलते हैं मार्केट में बहुत आसानी से, चाहे हमसे लो आप, चाहे खारी बावली पहुंच जाओ आप, गली में जाओगे बतासे वाली गली में हजारों तरीके के रैपर आपको देखने को मिलेंगे। आप खरीद सकते हो और अपना काम शुरू कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, क्योंकि इनमें करोड़ों अरबों रुपए नहीं लग रहा है जिसमें आपको टेंशन होगी कि अगर ये डूब गया तो आपको सुसाइड करना पड़ेगा। सुसाइड करने से बचने के लिए ये काम आपको बता रहा हूँ कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप लोगों की इच्छा हो रही है कि भाई अब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा, नौकरी मिल नहीं रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो आप ये छोटे छोटे काम करना शुरू करो। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो जब आप करोगे तब पता चलेगा, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक स्टार्ट नहीं करोगे आगे क्या होगा, जब शुरू करोगे तब पता चलेगा कि आगे क्या होगा। तो स्टार्ट कर लो आप लोग, फिर देखेंगे जो भी होगा, और आगे नए नए आपको तरीके बताते रहेंगे, क्योंकि ज़िंदगी आपकी यहीं पर ख़त्म नहीं हो रही है। इससे शुरू कर रहे हो, कल को आप अपना मखाने का रोस्टर ले सकते हो, उसके अंदर रोस्ट करके हाई लेवल पे काम शुरू कर सकते हो, लेकिन पहले लो लेवल पे तो शुरू करो आप लोग। एक ये ऑप्शन है आपके पास। उसके अलावा आप देखो आपके पास कितने सारे रैपर है, ये रैपर मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ में दिखाया है। ये देखो आप इसके अंदर मखाना पैक कर सकते हो 50 ग्राम, क्योंकि छोटे पैकेजिंग मखाने के मार्केट में इजी अवेलेबल है नहीं। आप लेके जाओ, ऑप्शन बनो कि जिसके पास 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, उसको भी आराम से आप कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सको, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बड़े पैकेजिंग में आता है और महंगे होते हैं, तो उसको सस्ता करके आप लोग मार्केट में दो। इस तरीके का रैपर मिलेगा आपको। और देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप रैपर, ये वही सिल्वर रैपर है, इसके अंदर देखो मखाना फिल करके पैक किया हुआ है, 200-250 ग्राम जितना भी आता है इसको पैक करिए, और थोड़ा और इसको अट्रैक्टिव बनाना है तो इस तरीके का पीछे अपने नाम का स्टिकर लगाओ आप। ये जो स्टिकर है ये स्टिकर लगाइए आप, इसमें क्या होता है आपके कंपनी का नाम होता है। ये देखो आप यहाँ पे ये जो वाइट पोर्शन छूटा हुआ है, ये वाइट पोर्शन के अंदर आप देखो अपना MRP लगा सकते हो, बैच नंबर लगा सकते हो, और इसको मार्केट में जो नेट क्वांटिटी होता है वो लगा सकते हो, और एक कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, क्योंकि ये एक तरीके से पूरा लीगल हो गया आपका। सिर्फ एक फूड लाइसेंस निकालना है, 100 रुपये, 2500, 5000 अलग अलग रेट है उसका मार्केट से। आप चाहे तो कोई CA देख लो, उसके थ्रू आप अपना ये बनवा लो FFSI नंबर, और मार्केट से मखाना उठाओ, ऐसे रैपर उठाओ, स्टिकर बनाओ और ले के जाओ आप लोग। सब बिकता है दुनिया में, हर चीज़ बिकता है, क्योंकि हम भी जाते हैं, नई नई चीज़ें मिलती हैं, हम घर लेके आते हैं। तो आई होप आप लोग को समझाने में कामयाब हो रहा हूँ। आप लोग अपना काम शुरू करो, जो होगा देखेंगे, किसी के कहने से रुकना नहीं है और ख़ुद से कभी थकना नहीं है। जितना एफर्ट है फुल लगा दो, बैठ के सोच रहे हो कुछ नहीं होना, सोच को तुरंत इंप्लीमेंट कर दो जाके मार्केट में, क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा थोड़ी सी बहुत आपको लोगों की सुननी पड़ेगी, तो सुनने से क्या होता है, कुछ आपके शरीर में लग जाता है, कोई बीमारी लग जाएगी आपको, कोई अगर आपको कुछ कुछ बोल रहा है तो कोई बीमारी लग जाएगी आपके शरीर में, कुछ नहीं लगना है। कल वही लोग आपके पीछे पीछे आएंगे जब ये मखाने का आप बड़ा ब्रांड बन जाओगे, तो फिर जब अभी उनके बोलने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, क्योंकि तब जब बोलेंगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप करोड़पति बन जाओगे तब आपके पीछे पीछे भाग भाग के आएंगे लोग। अभी कुछ नहीं हो तो आपको ताना मार रहे हैं, तो जब अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा तो तभी भी नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। टेंशन नहीं है कौन क्या बोलता है, बोलने दो आप, उनका काम है लोगों का टांग खींचना। जब थोड़ा आगे बढ़ोगे आप, हज़ारों लोग आपके टांग खींचेंगे, आपके खुद के रिश्तेदार टांग खींचेंगे, कोई टेंशन नहीं। आप काम करना शुरू करो, जब छोटे छोटे काम शुरू करोगे बड़ा भी बन जाएगा एक दिन। लेकिन आप लोग पहले ये सोचते हो कि छोटा ये बड़ा ये वो, फिर आप लोग सिर्फ सोचते रहते हो, बैठे रहोगे 2-3 घंटा सोचोगे मैं ये करूँगा वो करूँगा, फिर आप क्या करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, फेसबुक पे जाओगे, और जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं उनको देख देख के खुश होगे, उनको देख के खुश होने से आपको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा ना। तो आप खुद सक्सेसफुल होने की कोशिश करिए। मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।